हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम मल्टी डायमेंशनल एरेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल एरेस में एरेस के अंदर एरेस को यूज किया जाता है और फ्रेंड्स इसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ डायमेंशंस कैसे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने एक ही डायमेंशन यूज किया, मीन्स एक ही सबस्क्रिप्ट है। हम मल्टी डायमेंशनल एरेस में एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ये दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, मींस एक से ज्यादा डायमेंशंस हो सकती है। और फ्रेंड्स इस डायमेंशंस के अंदर या तो हम इंडेक्स वैल्यू यूज कर सकते हैं, जो कि हम इंडेक्स एरेस में कर रहे थे, जीरो जीरो वन टू, मींस जो न्यूमेरिक फॉर्म में थी, या हम एसोसिएटिव एरेस की कीज भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम पिछले इस ट्यूटोरियल में मींस पिछले ट्यूटोरियल में यूज कर रहे थे कीज। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ऋषभ है, कामरान है, नैतन है। तो मींस हम कीज भी यूज कर सकते हैं, हम इंडेक्स वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम दोनों पे वर्क करेंगे, हम कीज भी यूज करेंगे और इंडेक्स वैल्यूज भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और वेरिएबल नेम हम सेम स्टूडेंट्स ही रखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एरे कीवर्ड बनाते हैं, उसके अंदर दो एलिमेंट्स यूज करते हैं। मीन्स मैं एक क्लास का रिकॉर्ड बना रहा हूँ जिसमें से मैं दो स्टूडेंट्स के मीन्स एक कॉलेज का रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो पहला स्टूडेंट का नाम है जिसका मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ ऋषभ, दूसरा है कामरान। मैं एक से ज्यादा भी बना सकता हूँ, मैं कॉमा करके और भी स्टूडेंट्स यूज कर सकता मीन्स उनके रिकॉर्ड्स लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें दो स्टूडेंट्स के बना रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सॉरी मल्टी डायमेंशनल एरेस में एरेस के अंदर एरेस को यूज किया जाता, तो वो कैसे किया जाता है पहले हम उस पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स एरेस के अंदर एरे यूज करने का तरीका है, सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है उसके बाद आएगा इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन साइन, जो कि हम एसोसिएटिव एरेस में यूज कर रहे थे। तो एसोसिएटिव एरेस में हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते थे और वैल्यू लिखने के बजाय हम यहाँ पे एक और एरे डिफाइन कर देंगे। एरेस के अंदर एरेस आ गया, अब हम इसमें और एलिमेंट्स लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट जैसे मैं लिख देता हूँ एज कितनी है, एज मैं लिख देता हूँ 25। उसके बाद मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं 99। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ MCA। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं कोमा के बाद कामरान को नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से कामरान का भी मैं एसोसिएटिव एरेस के जैसे मीन्स एरेस के अंदर एरेस डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एज देता हूँ 24, मार्क्स ऑब्टेन 98 और क्वालिफिकेशन मैं कर देता हूँ MBA, मीन्स क्लास MBA। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्रिंट आर फंक्शन यूज करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये वर्क कैसे कर रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे सबसे पहले एक की है ऋषभ, मीन्स जो एलिमेंट है उसके अंदर एक एरे है और एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यूज हैं। मीन्स सबसे पहले जीरो इंडेक्स है जिसपे 25 वैल्यू है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था इंडेक्स एरेस के ट्यूटोरियल में, इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू। इसी तरह से जीरो वन टू मीन्स सबसे पहले ऋषभ की है, उसके अंदर एक और एरे है, मीन्स ये इंडेक्स एरे है। तो जीरो इंडेक्स पे 25 वैल्यू है, वन इंडेक्स पे 99 और टू इंडेक्स पे MCA। इसी तरह से कामरान की है, उसके अंदर एक एरे है, इंडेक्स एरे है, जीरो इंडेक्स पे 24 वैल्यू है, वन इंडेक्स पे 98 और टू इंडेक्स पे MBA। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा एको स्टूडेंट्स, मीन सबसे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद सबसे पहले आएगा पहला सबस्क्रिप्ट मीन पहली डायमेंशन जो है। तो मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट का नाम लिखूंगा ऋषभ, जिसका मैं डाटा कैलकुलेट करना चाहता हूँ। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्स वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो मैं जीरो लिखूंगा सेमीकॉलन। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये 25 शो करेगा, क्योंकि ऋषभ एलिमेंट पे जीरो इंडेक्स पे 25 वैल्यू है। इसी तरह से अगर मैं टू कर देता हूँ तो आप देखेंगे MCA लिखा आएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे कामरान कर देता हूँ, क्या कामरान के इंडेक्स टू पे क्या है MBA, तो आप देखेंगे MBA आ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हमने यूज किया इंडेक्स एरेस। अगर आप एसोसिएटिव एरेस यूज करना चाहते हैं उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने प्रीवियस प्रोग्राम में जैसे किया था, एसोसिएटिव एरेस में एक की होती थी और उसकी वैल्यू होती थी। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे की यूज करता हूँ एज, देन उसके बाद उसकी एसोसिएटिव वैल्यू एंड वैल्यू में दे देता हूँ 25। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर फिर की यूज करूंगा, मैं लिख देता हूँ मार्क्स, फिर उसकी वैल्यू वैल्यू में दे देता हूँ 99। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, या मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, तो मैं लिख देता हूँ MCA। MCA में सिंगल कोट्स में लिखूंगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरह से फ्रेंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ पे MCA से MBA कर देता हूँ।
मार्क्स अपने 98 और 8 में 24 कर देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको कमेंट आउट करके और इसको अनकमेंट करके हम देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऋषभ की है उसके अंदर जिसके अंदर के एक एरे है, ये एरे एसोसिएटिव एरे है क्योंकि इसमें कीज यूज की गई है। सबसे पहले एज की है जिसकी वैल्यू है 25, मार्क्स की है जिसकी वैल्यू है 99 और क्लास की है जिसकी वैल्यू है एमसीए। इसी तरह से कामरन एक सेकेंड एलिमेंट है जिसके अंदर एरे है, उसके अंदर एज की है जिसकी वैल्यू है 24, मार्क्स की है जिसकी वैल्यू है 98 और क्लास की है जिसकी वैल्यू है एमबीए। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ पहले एको स्टेटमेंट को अनकमेंट करूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इंडेक्स यूज कर रहे थे, इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे की यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं कामरन की एज प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कामरन और एज की यूज करूंगा, क्योंकि हमने इंडेक्स की जगह की यूज किया। तो आप देख सकते हैं 24। अगर मैं यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ जो ये की है एमबीए। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ऋषभ कर देता हूँ, ऋषभ और उसकी क्लास मीन्स उसकी की एरे की एमसीए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ तो आप देखेंगे 99। मींस ये हमने एसोसिएटिव एरे मींस यूज किया, मींस हमने कीज यूज की इंडेक्स की जगह। तो फ्रेंड्स ये था मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एरेज के अंदर एरेज यूज करेंगे हम और इसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होगी। इसमें हमने 2D एरे यूज किया, एक मींस जिसमें 2 डायमेंशन है, 2 सब्सक्रिप्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।